अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग अहमद क्रिएटिविटीज़। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं लोगों की तरह मैं भी व्लॉग बनाना स्टार्ट करूं। अरे सारे व्लॉग वगैरह बना रहे हैं तो क्यों ना हम भी बनाएं एक व्लॉग। तो मैंने आज बहुत ही सोच विचार के बाद ये व्लॉग स्टार्ट किया। तो आज का व्लॉग जो मेरा था वो था कि मैं आप लोगों से अपनी एक बहुत ही बड़ी हैप्पीनेस शेयर करूं, और वो ये थी कि मैंने कुछ दिनों पहले एक इनक्यूबेटर जो है वो परचेज़ किया था, ताकि मैं उसके अंदर जो है एग्स रख कर उनको क्या कहते हैं इनक्यूबेट करूं और हैचिंग करवाऊं। अब उसको हो गए हैं 7 डेज। और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं उससे कैंडलिंग कर देखूँ कि उसके अंदर हत्ता के एम्ब्रॉय बनना स्टार्ट हो गया है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा इनक्यूबेटर कैसा है और उसमें कितने एग्स इस टाइम अवेलेबल हैं। ये देखें, ये है मेरा इनक्यूबेटर और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है, तो ये मेरा इनक्यूबेटर है और ये है इसके अंदर एग्स। तो इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 98.1 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 102 तक इसका जाना चाहिए। अगर इससे अबव जाएगा तो एम्ब्रॉय में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, या फिर वो हैच नहीं हो पाते, या फिर वो अंदर ही ड्यू टू टेम्परेचर जो होती हैं वेरिएशंस की वजह से वो अंदर ही डाई हो जाते हैं। अभी इसके अंदर कुछ वाइट सिल्की के एग्स पड़े हुए हैं और कुछ इसके अंदर जो हैं असील के पड़े हुए हैं। देखें, ये 27 को मैंने रखा था और आज इनको 7 डेज हो गए। तो अभी मैं चेक करूँगा। सबसे पहले मुझे चाहिए होगी, ये देखिएगा, मुझे चाहिए एक एक्स्ट्रा टॉर्च। तो मैं अपने दूसरे मोबाइल की टॉर्च चला लूँगा और फिर हम इसको कैंडलिंग करेंगे। कैंडलिंग के लिए मेक श्योर कि आपका जो रूम है वो बिल्कुल ही डार्क हो, उसके अंदर बिल्कुल भी लाइट ना चलती हो। मैं अभी इसको करता हूँ पॉज। मैंने यहाँ पर निकाल लिया है वाइट सिल्की का एग। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या इसके अंदर एम्ब्रॉय होगा या नहीं। लेट्स स्टार्ट इट। OMG, अल्हम्दुलिल्लाह, हियर यू कैन सी अ टीनी क्रिएचर मूविंग। OMG, सो क्यूट, यू कैन सी द मूवमेंट। This is a moment of embryo. So cute and so sweet. So he is alive. अब इसको केयरफुली जो है हमने वापस इनक्यूबेटर में रख देना है। यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर मेरे ये सारे एग्स हैं। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि इन सब में ही कुछ ना कुछ लाजमी जो है फर्टिलिटी होगी और इनक्यूबेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। वेट करेंगे हम 21 डेज तक। 7 डेज अप्रॉक्सीमेटली चलेंगे, 14 डेज रह गए। 14 डेज बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कितने चिक्स निकले हैं और कितने नहीं। स्टे कनेक्टेड।